हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ में सकुशल होंगे। अभी राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोग आप लोगों तक पहुँचने के लिए YouTube चैनल का एक प्लेटफॉर्म काम में ले रहे हैं। इसके माध्यम से हम आप लोगों को समय समय पर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। ये जो वीडियो हैं इनको आप लोगों को कंटिन्यू देखना है, इनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। और यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप प्रॉब्लम्स को भी कमेंट्स के रूप में आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। डाउट क्लास के अंदर हम उन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जेनेटिक्स का थर्ड लेक्चर में आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी बेस्ड लेकर आया हूं। ये जो टर्मिनोलॉजी जिस स्टूडेंट को जेनेटिक्स की बिल्कुल क्लियर है, आप मानकर चलिए कि उस स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स बहुत आसान लगेगा। मैं आज टर्मिनोलॉजी पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि फीनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। अगर फीनोटाइप की बात करें तो फीनोटाइप का मतलब है किसी जीन की अभिव्यक्ति, कि कोई जीन अपना जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ही फीनोटाइप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमने कहा कि पाइसम सेटाइवम के प्लांट की हाइट, कि ये प्लांट की हाइट, ये प्लांट आपका टोल है, ये ड्वार्फ है। यदि हम इसकी स्टडी करना चाहें तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर निकल कर आती है कि जैसे हम लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये उसका जीनोटाइप है। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और यदि इन जीन का प्रोडक्ट देखें तो कैपिटल टी आ रहे हैं तो कैसा होगा, प्लांट आपका टोल होगा। तो एक्चुअली में किसी जीव के फीनोटाइप का निर्धारण जो है वो जीनोटाइप के द्वारा होता है, लेकिन जीनोटाइप का निर्धारण फीनोटाइप के द्वारा नहीं होता। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी लगेगा, जिसके कारण कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी रहेगा, ये डोमिनेंट रहेगा। तो यहां पर भी जो फीनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, टोल बनेगा। स्मॉल टी है तो यहां पर फीनोटाइप जो आएगा वो कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। अब हम हमारी परिभाषा को निकालते हैं कि ये कोई जीन का संगठन है। ये जीन का संगठन ये तय करता है कि फीनोटाइप कैसा होगा। तो इसका मतलब फीनोटाइप की डेफिनेशन क्या होगी कि एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन की जो अभिव्यक्ति है वो उसका फीनोटाइप कहलाता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, तो इसका मतलब जीन का एक्सप्रेशन जो है वो हमें दिखाई देगा। और हम लोग जानते हैं जीन क्या है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है आरएनए, आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें दिखाई देती है, तो प्रोटीन प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के कारण किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करैक्टर डेवलप होता है वो करैक्टर हमें विजिबल होता है, वो दिखाई देता है। जैसे प्लांट की हाइट टॉल है तो अगर पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी में देखें तो प्लांट की हाइट टॉल है, तो टॉल हाइट हमें दूर से दिखाई देगी, बाहर से देख सकते हैं हम। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फीनोटाइप कह रहे हैं। जीनोटाइप का मतलब है स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसी जीव के जीनी संगठन का अध्ययन क्या कहलाएगा, उसका जीव का जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल टी ये जीनोटाइप है जो क्या बनाएगा, टोल बनाएगा। ये यहां पर क्या हो गया, फीनोटाइप। ये यहां पर क्या हो गया, जीनोटाइप।
किसी भी जीव का फीनोटाइप जो है वो एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, पर्यावरण के द्वारा प्रभावित तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरे सामने जैसे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मोहित, मोहित बहुत सुंदर है, मतलब इसका फेयर कलर है। अब मोहित के सामने प्रॉब्लम आई कि मुझे साहब यहाँ पर क्या नाम है कॉलेज की फीस पे करनी है, और कॉलेज की फीस पे नहीं करूँगा तो मुझे कॉलेज वाले अंदर नहीं आने देंगे, तो मेरे सामने प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसने मोहित ने क्या किया कि यहाँ पर सीकर के अंदर हर्ष पहाड़ी के ऊपर जाकर, वो मई जून के महीने में इसी समय, और वो वहाँ पर पत्थर तोड़ने लग गया, लकड़ियाँ बीनने लग गया। तो अब कुछ दिनों से मोहित क्लास में नहीं आ रहा था, एक दिन रास्ते में मोहित मुझे टकरा गया, तो मैंने देखा कि उसका जो फेयर कलर था वो कैसा हो गया, डार्क कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैंने कहा मोहित भैया ये क्या हुआ? कहते सर क्या करूँ, पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने के कारण क्या था, थोड़ा काम करना पड़ा, काम करने के कारण सब मेरा ऐसा फिनोटाइप हो गया। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा एनवायरमेंट के कारण उसका क्या हुआ, फिनोटाइप चेंज हो गया। एनवायरमेंट के कारण क्या हो गया, फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे घर के अंदर रसोई में किचन में जो चिपकली पाई जाती है वो फेयर कलर होता है उसका, लेकिन वही चिपकली जब बाहर जैसे पत्थर वत्थरों के नीचे जो चिपकली मिलती है वो आपको चितकबरी चिपकली मिलेगी, डार्क कलर की चिपकली मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि वो चिपकली जो है वो एडवर्स कंडीशन में रह रही है। घर के अंदर जो चिपकली है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसके कारण उसकी कंडीशन ठीक है और उसकी कंडीशन चेंज। तो कोई भी जीव का फिनोटाइप जो है वो पर्यावरण के द्वारा प्रभावित तो होता है, लेकिन जीव का जीनोटाइप जो है वो पर्यावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आप सोचिए कब मीजोजोइक एरा था, मीजोजोइक एरा के अंदर अगर हम लोग बात करें वहां पर जुरैसिक पीरियड की अगर बात करें तो जुरैसिक काल के अंदर डायनासोर आए थे, और आप लोगों ने एक जुरैसिक पार्क मूवी देखी होगी कि मच्छर ने उसको बाइट किया, मच्छर भी मर गया, उसका फॉसिल, उसके फॉसिल से जीनोम डीएनए को निकाल कर और उससे डायनासोर बना लिया। अब सोचिए कि उस मीजोजोइक एरा से आज जो कि सीनोजोइक एरा चल रहा है इसमें कितना चेंजेज आए होंगे एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन डीएनए के ऊपर एनवायरमेंट का सामान्य रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और डीएनए अगर एनवायरमेंट के द्वारा जब इन्फ्लुएंस्ड होता है तो नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो सामान्य रूप से फिनोटाइप वातावरण से प्रभावित होता है, जीनोटाइप जो है वो वातावरण से प्रभावित नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फीनोटाइप और जीनोटाइप। अब हम लोग बात करते हैं जीनोम, कि जीनोम क्या है। जीनोम को परिभाषित करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव में एकगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज जीनोम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि मनुष्य का या ह्यूमन का जीनोम क्या है। हम लोग सब जानते हैं कि मनुष्य में 2N=46 क्रोमोसोम पूछे पाए जाते हैं, लेकिन सवाल क्या पूछा है कि मनुष्य का जीनोम क्या है। अगर मुझे जीनोम देखना है तो मुझे गैमिट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, गैमिट्स। क्यों? क्योंकि गैमिट जो है वो मनुष्य के अंदर हैप्लोइड सेल है। गैमिट का मतलब अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर स्पर्म, और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो ओवम। तो स्पर्म भी हैप्लोइड होता है, ओवम भी हैप्लोइड होता है, और इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 23। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जीव में हैप्लोइड सेट उस जीव का क्या कहलाएगा, जीनोम। जैसे मुझसे कोई पूछे कि साहब बताइए कि आप लोग पाइसम सटाइवम का जीनोम क्या होगा, तो पाइसम सटाइवम में अगर मैं यहां पर बात करूं पाइसम सटाइवम, जिसको कि गार्डन पी भी कहते हैं, तो पाइसम सटाइवम में 2N=14 क्रोमोसोम होते हैं, N=7, ये इसका यहां पर क्या होगा, जीनोम। मुझसे कोई बात करे कि थैलोफाइटा, आप लोग सब जानते हैं कि थैलोफाइटा कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप, वन ऑफ एल्गी एंड अनदर फंजाई। अब मुझसे कोई ये क्वेश्चन करे कि मान लीजिए कि यूलोथ्रिक्स है
उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 10 है, बताइए उसका जीनोम क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यूलोथ्रिक्स जो है वो हैप्लोइड है। यूलोथ्रिक्स कैसा है आपका? हैप्लोइड है। सामान्य रूप से एल्गी आपकी कैसी होती है? हैप्लोइड। फंजाई भी कैसी होती है? हैप्लोइड होती है। यहां पर अगर इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो गैमेटोफाइट कंडीशन जो है वो यहां पर डोमिनेंट रहती है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एल्गी के अंदर, जैसे क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है यूलोथ्रिक्स में 10, तो उसका जीनोम कितना होगा? तो उसका जीनोम भी 10 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे पक्सिनिया दिया हुआ है आपको, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे फंजाई के अंदर आपको स्टीलेगो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एल्बिगो कैंडिडा दिया हुआ है, ऐसा कोई भी दिया हुआ हो उसमें कह दिया जाए कि उसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो बताइए साहब उसमें क्या नाम, उसका जीनोम क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जितने क्रोमोसोम्स हैं उसका जीनोम वही होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हनी बी का एक एग्जांपल लेता हूं, यदि मैं हनी बी के एग्जांपल पर बात करूं तो हनी बी जो है, हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट। हनी बी के अंदर हम लोग अगर देखें यहां पर मेल और यहां पर दो प्रकार की फीमेल है, एक फीमेल जो है वो कहलाती है क्वीन और दूसरी जो फीमेल्स हैं वो कहलाती है वर्कर्स, और मेल को हम लोग यहां पर कहते हैं ड्रोन। देखिए ड्रोन यहां पर हैप्लोइड होता है, क्वीन यहां पर डिप्लॉइड है और यहां पर वर्कर भी डिप्लॉइड है। अब क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस है? क्वीन जो है वो फर्टाइल है, जबकि वर्कर्स जो है वो कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। अब मुझे हनी बी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर देखे तो 2n = 32। अब ड्रोन के अंदर अगर मैं बात करूं तो n = 16 क्रोमोसोम होंगे। अब मैं ड्रोन की बॉडी की कोई भी सेल ले लूं, वो सेल जो है, चाहे मैं इसका स्पर्म लूं, चाहे मैं इसकी सोमेटिक बॉडी का कोई भी पार्ट ले लूं, प्रत्येक पार्ट जो है वो यहां पर जीनोम को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है? हैप्लोइड है। सामान्य रूप से अगर हम लोगों को जीनोम की स्टडी देख करनी हो तो चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, हम उनके गैमेट्स की स्टडी कर सकते हैं। जीनोम के बाद में हम लोग बात करते हैं एलील। दो प्रकार के हैं, एक आपका डोमिनेंट एलील, एक होता है रिसेसिव एलील। देखिए रिसेसिव एलील आल्सो कॉल्ड एज सम म्यूटेंट एलील एंड डोमिनेंट एलील आल्सो कॉल्ड एज सम वाइल्ड एलील, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर डोमिनेंट एलील की बात करें तो इस फंडामेंटल चीज को हम लोग समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेता हूं। यदि मैं प्लांट की हाइट की बात करूं पाइसम सटाइवा में, तो प्लांट आपका कैसा है? टॉल। प्लांट आपका कैसा है? ड्वार्फ। ये मान लीजिए आपका डोमिनेंट होमो जाइगस, प्रभावी संयुग्मन जी। एक होता है आपका रिसेसिव होमो जाइगस। अगर मैं डोमिनेंट होमोजाइगस की बात करूं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, और रिसेसिव होमोजाइगस की बात करूं तो स्मॉल टी ये पेरेंट्स है, पी का मतलब पेरेंट्स। अब यहां पर मैं बात करूं कि गैमिट बनेंगे, जब गैमिट बनते हैं तो गैमिटो जेनेसिस की क्रिया होती है युग्मक जनन, और जब युग्मक जनन होता है उस समय फ्रेंड्स मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण यहां पर गैमिट बनेंगे, यहां पर कैपिटल टी बनेगा, यहां पर स्मॉल टी बनेगा, और जब हम लोग इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, जब यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने पर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। एफ वन जनरेशन, एफ का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब है प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग, यानी कि प्रथम संतति पीडी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फर्स्ट प्रोजनी जनरेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है। जब हम डोमिनेंट होमोजाइगस का रिसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाते हैं तो
F1PD में जो एलील अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है वो एलील यहां पर डोमिनेंट एलील कहलाएगा, और जो एलील F1 जनरेशन में अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं करता वो यहां पर आप लोग बताएंगे क्या कहलाएगा, रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो जो F1PD में अपने आप को प्रकट करता है वो आपका प्रभावी एलील, जो F1PD में अपने आप को प्रकट नहीं करता वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी एलील कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावी एलील जो है वो समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव शो करता है, जबकि रिसेसिव एलील जो है वो अपना प्रभाव केवल अप्रभावी समयुग्मनजी अवस्था में ही शो करता है। डोमिनेंट एलील को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि रिसेसिव एलील को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और इसको यदि इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डोमिनेंट एलील जो है ये F1PD में अपना फिनो टाइप प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील। और यहां पर ही बताएंगे ये F1 जनरेशन में अपना प्रभाव एक्सप्रेस नहीं करता। डोमिनेंट एलील जो है इसे हम होमोजाइगस स्टेट और हिट्रोजाइगस दोनों स्टेट में, हिट्रोजाइगस दोनों अवस्थाओं में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, जबकि रिसेसिव एलील की स्टडी केवल आप लोग बताएंगे हम लोग इसको केवल किस में स्टडी करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में। डोमिनेंट एलील को हम यहां पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि इसे इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये आपका एलील। तो दो तरह के एलील, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट की। थैंक यू। क्या हुआ, कट गया क्या, सही आ गया? सही आ गया।